नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। बुधवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि विधायक कार्यालय के बाहर मौजूद भारी पुलिस बल ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया। आपको बता दें कि सरकार द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर कई विभागों द्वारा सरकारी जमीन को खाली कराने को लेकर उसमें कब्जा कर बैठे लोगों को नोटिस देकर घर खाली कराने की चेतावनी दी गई है। ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एक ना एक दिन विधायक को जनता के बीच आकर जवाब देना पड़ेगा और जब तक सरकार अपना आदेश वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जो यार विधायक कार्यालय पर पूछ के आए, क्या देखिए, जिस तरीके से 15-20 दिन से रामनगर के अंदर अफरा तफरी मची हुई है, सरकार का एक फरमान जारी हुआ कि पहले फॉरेस्ट लैंड से मंदिर और मजार हटाए जाएंगे, उसमें लोगों ने ज़्यादा आक्रोशित नहीं है और अपने जो उनका जो गुस्सा था वो गुस्सा को अपने दिल में दबाए रखा उन्होंने, और उसके बाद जो है धामी सरकार का बुलडोजर जो है लोगों के घर तक आने लगा और उन्होंने कहा कि जितने भी विभागों के जमीनों पर अतिक्रमण किया गया उस अतिक्रमण को हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। और उसको लेकर रामनगर में बहुत सारा भूचाल सा आया हुआ है, लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर हम 6-7 दिन से यहाँ पर आंदोलनरत हैं। और आज हमने जब देखा कि माननीय विधायक जी जो यहाँ के विधायक हैं वो मौन साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, उनसे पूछा भी जा रहा है कि आखिर इसमें क्या होगा, तो बिल्कुल मौन साधे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी ने मौन साध रखा है। उनको जगाने के लिए आज हमने माननीय विधायक जी के कार्यालय पर यहाँ पर हमने कूच किया है और माननीय विधायक जी को हम बाहर बुलाकर ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। जिस जनता के वोट से आप विधायक बने हैं और जिस विधायक के कारण आपकी सरकार इस प्रदेश में सत्ता में काबिज है, आखिर ये मौन क्यों है, हम उनसे जवाब जानना चाह रहे हैं। इसके लिए हम आज उनके कार्यालय पर आए और यहाँ पर हमने हल्ला बोल किया है। देखिए, निश्चित रूप से अगर वो यहाँ से भाग चुके हैं तो निश्चित रूप से वो जनता के बीच में नहीं आना चाहते। जिस जनता ने उन्हें वोट दिया, जिस जनता ने उन्हें विधायक बनाया, एक न एक दिन तो उनको जनता के बीच में आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने मौन क्यों साध रखी है और चुप्पी क्यों साध रखी है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार के आदेश के बाद विभाग द्वारा जो मकान तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है, उसके विरोध में आज तमाम ग्रामीणों ने रामनगर में स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पूछ के और विधायक के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों का कहना था कि जब उन्हें उजाड़ा जा रहा है तो उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाए। लगातार अब सरकार के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही सरकार की, उसको लेकर लोगों में विरोध बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो आज विधायक कार्यालय ग्रामीणों ने पूछ के, प्रभावित लोगों ने विधायक कार्यालय का पूछ किया तो पता चला कि विधायक कार्यालय में मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर और ज़्यादा तेवर उनके तीखे हो गए। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि विधायक को एक ना एक दिन जनता के बीच आकर जवाब देना पड़ेगा। जनता के वोट से आज वो विधायक बने और सरकार में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि विधायक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि जनता के साथ है या सरकार के साथ है। फिलहाल अभी मौके पर अगर देखें तो भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनात है। विधायक कार्यालय से बाहर ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही बैठ के नारेबाजी का जनसभा शुरू कर दी है। अब जो आंदोलनकारी हैं उनका कहना है कि विधायक जब तक नहीं आएंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल प्रशासन के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो प्रदर्शनकारियों को समझाने पर लगे हुए हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बनकर जेजेएन। वहीं सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में बुधवार को पीड़ित परिवारों के समर्थक में कांग्रेस द्वारा आयोजित हल्ला बोल कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी रामनगर पहुंचे। आपको बता दें कि रामनगर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा वन ग्रामों में रह रहे ग्रामीणों को भी अतिक्रमण के नाम पर हटाए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार विरोध बढ़ाया जा रहा है। सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पीड़ित ग्रामीणों ने एक विशाल रैली निकालकर वन परिसर पहुंचते हुए हंगामेदार सभा की। सभा में बोलते हुए पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि सरकार आज गरीबों को उजाड़ने की बात कर रही है, लेकिन पुनर्वास और मुआवजे को लेकर सरकार के पास कोई नीति नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि सरकार का निर्णय पूरी तरह से गलत है। जो है सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ जो है कार्रवाई जारी रखी है, रामनगर में बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज आप यहाँ हल्ला बोल कार्यक्रम आए, क्या चेताना चाहते हैं सरकार को? देखिए, रामनगर ही नहीं पूरे प्रदेश में एक डर और भय का माहौल सरकार ने बना दिया है।
जो कई दशकों से जमीनों में काबिज हैं, जिनके घर हैं, जिन्हें सरकार ने पानी दिया है, बिजली दी है, सड़कें दी हैं, विद्यालय दिए हैं, सब कुछ दिया है। आज सरकार एक तुगलकी फरमान जारी करके उनके हकों को छीनना चाहती है और हम ये होने नहीं देंगे। हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती कि कांग्रेस सियासत कर रही है, हम सियासत नहीं कर रहे हैं। हम जनता की आवाज़ है, जो जनता के जो हक हकूक हैं उसको छीनने नहीं देंगे सरकार से। और इसीलिए आज हम रामनगर में हल्ला बोल कार्यक्रम में मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, और जहाँ भी जिस क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई होगी कांग्रेस का पुरजोर विरोध करेगी और इस लड़ाई को आगे तक ले जाएगी। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़े जाने के खिलाफ अब उत्तराखंड सरकार का चारों तरफ लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। रामनगर में खासतौर से अगर देखें तो जब से कई विभागों द्वारा नोटिस चस्पा कर लोगों को हटने की चेतावनी दी गई तब से लगातार यहाँ विरोध की स्वर लगातार सरकार के खिलाफ मुखर हो रहा है। तो वहीं आज रामनगर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य रामनगर पहुंचे, जहां कांग्रेस के द्वारा आयोजित हल्ला बोल कार्यक्रम में उन्होंने भागीदारी की। आपको बता दें कि वन परिसर में पीड़ित प्रभावितों की एक बैठक जो है सम्पन्न हुई, जिसमें लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं बैठक में जनता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आज प्रदेश सरकार ने इस प्रकार का तुगलकी फरमान जारी करके जनता के बीच डर और भय का माहौल पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी को भी नहीं उजड़ने देंगे और यह कोई राजनीति या सियासत का मुद्दा नहीं है, ये तो एक गरीब जनता की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम पूरे उत्तराखंड में आंदोलन करेंगे, कांग्रेस के अलावा जितने भी संगठन होंगे हम सब एकजुट होकर सरकार के इस फैसले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, तब उजाड़ा जाना चाहिए। वहीं इस सभा को पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत और पूर्व सांसद डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने भी संबोधित किया। भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में सरकार से अपने निर्णय को वापस लेने की मांग की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।